the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो दोस्तों, थ्योरी टू प्रैक्टिकल में आप लोग का स्वागत। कैसे हैं आप लोग? अच्छी तैयारी चल रही होगी। आरआरबी की वैकेंसी आ गई है, एसएससी की भी वैकेंसी आ गई है, एफसीआई भी आ गया है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो आज हम लोग को इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि ये एक अच्छा मौका है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज करें। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है आरआरबी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे क्रैक करें इस एग्ज़ाम को, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है। इसलिए क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या पूछा जाता है, और उससे भी ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पूछा जाता है, मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। टाइम बहुत ही कम है, लिमिटेड टाइम फ्रेम में चीज़ों को कवर करना है। कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होना चाहिए, थ्योरी टू प्रैक्टिकल इसीलिए है। आपको हर संभव रूप में, हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपकी मदद करेगा। आप थ्योरी टू प्रैक्टिकल के साथ बने रहें और बाकी हम पर छोड़ दें, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दो चीज़ों की बेहद ज़रूरी वो दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है फोकस, उसकी जिम्मेदारी आपकी। और दूसरी चीज़, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रॉपर गाइडेंस। तो प्रॉपर गाइडेंस जो देने का काम है, वो थ्योरी टू प्रैक्टिकल इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल के साथ आप लोग बने रहें और हम लोग चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई वे में कवर कर पाएंगे। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। पर सोचने वाली बात यह है कि अभी हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि वैकेंसी 13,000 है, और काफ़ी अच्छी बात है कि आरआरबी जेई के लिए 13,000 वैकेंसी है। बट प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो क्या ये वैकेंसी उस गैप को फुलफ़िल कर पाएगी जो बन चुका है ऑलरेडी? देखिए, जब हम देखते हैं फॉर्म का एनरोलमेंट, तो फॉर्म का एनरोलमेंट हर जोन में 2 लाख से 4 लाख बच्चों ने एनरोल ऑलरेडी कर दिया है, बट वैकेंसी 1,000, 1,200, 1,500 ऐसे ही है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे सक्सेस रेट, क्या कैलकुलेट करते हैं, सक्सेस रेट, तो आपको देखने मिलेगा कि सक्सेस रेट इज़ ओनली 0.25 to 0.3%, जो बहुत कम है। दिस इज़ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, दिस इज़ द हार्श ट्रूथ ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो भाई लोगों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमको प्रॉपर डायरेक्शन मिले कि हम भी इस 0.25 to 0.30% की लिस्ट में आ पाएँ। तो उसके लिए थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपकी मदद करेगा। तो चलिए पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं, 2-3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम को लेकर के, उसके बाद मैं फिर आरआरबी जेई के सिलेबस में क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, आपको ऊपर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा और ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ें दिख रही होंगी। ये थ्योरी टू प्रैक्टिकल का व्हाट्सएप नंबर है और ऑफिशियल नंबर है, और ईमेल आईडी भी ऑफिशियल है। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप आराम से कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम लोग जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो मैं इस डायग्राम से कोशिश करूँगा समझाने की कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए, बच्चों के मन में एक डाउट है, मतलब जनरल डाउट है कि अगर जेई का एग्ज़ाम है, बच्चे जो एनरोल कर रहे हैं वो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद एनरोलमेंट जो है वो है इंजीनियर की बीटेक बीई, और तीसरा जो एनरोलमेंट है वो मास्टर्स की, तो मास्टर्स कोर्स जिन्होंने कर लिया है एमटेक, तो सारे लोग एनरोल कर रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक वाला स्टूडेंट सोच रहा है कि ये लोग इतने हाई लेवल स्टूडेंट ऑलरेडी इस कंपटीशन में हैं, इसका मतलब मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, मैं कैसे फाइट करूँगा इस कंपटीशन को, जो कि एक जायज़ डाउट है, एक्सेप्टेड, ये जायज़ डाउट है और ये सबके मन में आएगा। बीटेक वाले सोच रहे हैं कि मास्टर्स भी कर रहे हैं एनरोल, तो उनका लेवल ऑलरेडी ऊपर है, या जो कॉलेज पास आउट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी 2 साल 3 साल 4 साल से, उनका एज ज़्यादा रहेगा इस एग्ज़ाम में। बात सही है,
सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, पर सॉल्यूशन क्या है? ये तो इश्यूज हैं, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अगर हम पूरे सिलेबस को, जो आरआरबी जेई ने, रेलवे ने बहुत ही अच्छा काम करा है कि सिलेबस को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करा है कि ये चीज़ सिलेबस में है, तो अगर हम पूरे सिलेबस को एक प्रॉपर तरीके से कवर कर लें तो हर बच्चा एक ही लेवल पे है, चाहे वो एमटेक है, चाहे वो बीटेक है, और चाहे वो पॉलिटेक्निक है। क्योंकि सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मैं उससे थरो हूँ, मुझे पता है, तो मैं बहुत इजीली उस चीज़ को कवर कर पाऊँगा। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो इसलिए हम लोग स्ट्रैटेजी भी उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अब जब कुछ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो मैं इस डायग्राम से कोशिश करता हूँ समझाने की। तो सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है कि क्या चाहिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाता है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, नाउ व्हाई टाइम मैनेजमेंट? देखिए, पढ़ते समय टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, किस सब्जेक्ट पर कम फोकस करके भी काम चल सकता है। पढ़ते हुए एग्ज़ाम देते समय, अगर मैं प्रीलिम्स की ही बात करता हूँ, आरआरबी जेई की, तो देयर आर 100 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? देयर आर 100 क्वेश्चंस, एंड ऑफ दोज 100 क्वेश्चंस देयर आर टोटल 100 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 100, ठीक है। और टोटल टाइम जो दिया गया है वो दिया जाएगा कितना आपको? 90 मिनट्स, राइट? 90 मिनट्स। अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन को रफली 0.9 मिनट मिलेगा। 0.9 मिनट का मतलब है 0.9 × 60, अगर मैं करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 54 सेकेंड्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 54 सेकेंड्स। अब क्या ये 54 सेकेंड एक्चुअली एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है? नहीं है। 54 क्वेश्चंस नहीं है, 54 सेकेंड्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो टाइम क्वेश्चंस स्किप करने में और वो फ्रेम ऑफ माइंड बनाने में लग जाता है, ऑलमोस्ट हम 54 सेकेंड में से रफली 45 to 47 सेकेंड ही हमारे लिए इफेक्टिव है। बाकी 5, 6, 7, 8, 10 डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट वेस्ट हो ही जाता है। हम लोग मशीन्स नहीं हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो प्रैक्टिकली आप सोचें तो ऑलमोस्ट 90 मिनट्स में से यू आर गोइंग टू गेट अराउंड 76 to 78 मिनट्स ओनली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी क्या है? पहला चीज़ है टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टाइम को मैनेज करना पढ़ते समय भी और क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ओके भाई लोगों, दूसरी चीज़ हो जाती है आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज़, एक मिनट, दूसरी चीज़ जो अपनी आ जाती है, दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या है कि हमको समझना पड़ेगा कि देखिए, रटने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्या हमारा दिमाग सारी चीज़ें याद कर पाएगा? क्या हम सारी चीज़ों को याद रख पाएंगे? नहीं। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछे जाएंगे। अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो हम क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, पर अगर कॉन्सेप्चुअली वीक हैं तो याद करने के लिए इतना सारा है कि याद कर करके थक जाएंगे, बट सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि हमको कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बन जाएंगे, पर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन याद करके और हम सोचे कि कॉन्सेप्ट जनरेट कर देंगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी और टाइम ज़्यादा लगेगा और इन इफ़ेक्टिव हो जाएगा। टाइम हमारे पास कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो हमको देखिए, अभी मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। और तीसरी चीज़ जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस। क्या हो जाती है भाई लोगों? ऑल राउंड परफॉर्मेंस। ऑल राउंड परफॉर्मेंस मतलब क्या है कि
अगर पेपर आरआरबी का है तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पे फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी पूछा जाएगा। पेपर वन में आपका देखिए लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सारी चीज़ें भी पूछी जाएंगी, जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा। तो अगर मैं टेक्निकली बहुत अच्छा हूँ, मैं टेक्निकली चीज़ें जानता हूँ, पर मेरे को प्रैक्टिकली ये नहीं, मतलब मेरे को उन सब सब्जेक्ट्स में बहुत दिक्कत होती है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में नहीं कर पाता हूँ, या एप्टीट्यूड पोर्शन में नहीं कर पाता हूँ, या मैं जनरल साइंसेस की तरफ मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम ऑन अ लूजिंग एंड, आई एम ऑन अ लूजिंग एंड, मैं हारने की तरफ खड़ा हूँ। क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ एक चीज़ को या दो चीज़ को ले करके एग्ज़ाम क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। भाई लोगों को समझना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो हमको अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है। मतलब मैं ये फील कर रहा हूँ कि हमको इतना हार्डवर्क करना है कि हम हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में सक्सेसफुल रहें, हम हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी ऑल राउंड परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी फ़िलहाल जो समझता हूँ वो ये है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, अभी टाइम है, कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, और ऑलराउंड परफॉर्मेंस सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान देना है, सारे सब्जेक्ट्स को उनके वेटेज के अकॉर्डिंग एनालाइज करना है और उनको उतना ही ध्यान देना है। थ्योरी टू प्रैक्टिकल इस चीज़ में आपकी पूरी मदद करेगा हर संभव रूप में, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे, बस ये हमारी आशा है। बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़िए, हम उसको कवर करेंगे, बस आप फोकस बनाइए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हमें वो जरिया बनने दीजिए कि हम आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाएं, और वो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा भाई लोगों, होगा, होना ही पड़ेगा। तो ये मेरे को लगता है कि ये कॉन्सेप्ट, ये जो अपना चीज़ है, ये आपको समझ में आई। देखिए ये है एग्ज़ाम की वैकेंसी, बस इतनी ही है एग्ज़ाम की वैकेंसी। इतने बड़े बड़े गोलों में अगर इतने ही बच्चे हैं जो इस पोर्शन को फुलफिल कर पाते हैं, सिर्फ इतना ही हमको फुलफिल करना है। अगर आपने ये पोर्शन फिल कर दिया तो आप लिस्ट में आ गए, और अगर यानी जिसने टाइम मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट और ऑलराउंड परफॉर्मेंस का तीनों का मिक्सचर बढ़िया बनाया, तो उसका नाम इस लिस्ट में आना ही आना है। पर अगर हम कहीं पे भी चूके तो हम यहाँ भी गिर सकते हैं, और हम यहाँ भी गिर सकते हैं, और हम यहाँ भी गिर सकते हैं, जिससे सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। यार सिलेक्शन के लिए हमको इस जोन में जाना ही पड़ेगा, और ये जोन बहुत छोटा है, ये जोन बहुत छोटा है, तो इसलिए हमको हर चीज़ को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए ये तो था कुछ जनरल बातें, बाकी अब हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए मैं सिलेबस भी दिखा दूंगा, पर मैं जनरली आपको पहले बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए जब मैं बात करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल, तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये हम लोग को पता है कि ये तीन पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीन मेजर पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई लोगों कौन कौन सा है सोचो, तीन पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है आपका थर्मल, कौन सा है, थर्मल, ठीक है थर्मल। अब थर्मल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, थर्मल के अंदर आ जाती है अपनी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट आ जाता है, जो कि बेसिक सब्जेक्ट है, मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को समझ गए तो बाकी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इनके एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं भाई लोगों, एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स कौन कौन से सोचो, RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इसका एप्लीकेशन सब्जेक्ट है। दूसरा हीट ट्रांसफ़र, देखो हीट एंड मास ट्रांसफ़र जनरली बोला जाता है, और मास ट्रांसफ़र भी पढ़ा जाता है, बट सिलेबस में जनरली मास ट्रांसफ़र कवर नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र पोर्शन ही ज़्यादातर कवर होता है, मास ट्रांसफ़र के रेयरली क्वेश्चंस आते हैं या वो सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए मैं हीट ट्रांसफ़र ही लिख रहा हूँ। ओके फिर उसके बाद आ जाता है अपना पावर प्लांट, PP, पावर प्लांट, मैं अभी सिलेबस पूरा दिखा दूंगा, PDF दिखा दूंगा, ठीक है, तो PP यानी पावर प्लांट, ठीक है, जो इसका एप्लीकेशन सब्जेक्ट है। और कौन सा एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, IC इंजन, कौन सा है भाई लोगों, IC इंजन, ये भी इसका एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है।
तो ये सारे जो आ जाते हैं ये किस में आ जाते हैं, थर्मल में, किस में आ जाते हैं, थर्मल में। ओके, अब अभी सिलेबस में मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है जो क्लियरली बता दिया गया है, तो हमको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं है। ओके, दूसरी चीज़, दूसरा जो पोर्शन आ जाता है वो क्या आता है अपना, डिज़ाइन पोर्शन। कौन सा आ जाता है भाई लोगों, डिज़ाइन पोर्शन। अच्छा ओके, अब डिज़ाइन पोर्शन में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए डिज़ाइन पोर्शन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है भाई लोगों। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर हमको समझ में आता है तो ये चीज़ें थोड़ा सा सिंपल हो जाती है, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लास 11th 12th 10th में जो फिजिक्स पढ़ी है वो ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फिर आ जाता है आपका थियोरी ऑफ मशीन्स, फिर आ जाता है आपका मैकेनिकल वाइब्रेशंस, मैकेनिकल, ओहो, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, और एक और सब्जेक्ट इसमें आ जाता है जिसका नाम है मशीन डिज़ाइन। कौन सा आ जाता है भाई लोगों, मशीन डिज़ाइन, ठीक है भाई लोगों। तो टोटल क्या क्या आ गया, थर्मल के अंदर थर्मोडायनेमिक्स, RAC, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट, IC इंजन। डिज़ाइन में आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम, टॉम, मैकेनिकल वाइब्रेशन, मशीन डिज़ाइन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। और तीसरा जो पोर्शन आपका आता है वो आता है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। क्या आता है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एक मिनट, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है देखिए कास्टिंग, वेल्डिंग और मेटल कटिंग और मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी मशीन टूल्स, मशीन टूल्स, ठीक है भाई लोगों। और आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, कैड, कैम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग का जनरली जनरल सिलेबस यही होता है, इन जनरल हम लोग का इतना ही सिलेबस होता है, थर्मोडायनेमिक्स, RAC, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट, IC इंजन, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम, टॉम, मैकेनिकल वाइब्रेशन, मशीन डिज़ाइन और कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, मशीन टूल्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये पोर्शन आपका है जनरली, ठीक है। इसके अलावा मतलब कैड कैम ये भी आ जाता है, NC, CNC मशीन्स, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिलेबस में। पर अगर आप सिलेबस को देखेंगे जो हम मैं अभी दिखाऊंगा सिलेबस, तो उसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिलेबस को जब आप थर्मल पोर्शन को देखेंगे तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स तो है, RAC है, हीट ट्रांसफर का थोड़ा सा पोर्शन दिया है, बट पावर प्लांट नहीं है, पावर प्लांट नहीं है, मतलब पावर प्लांट सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, पावर प्लांट सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मतलब पावर प्लांट के क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। IC इंजन का कुछ पोर्शन दिया है, तो ये सिलेबस हो गया। अब अगर डिज़ाइन की तरफ आते हैं तो थ्योरी ऑफ मशीन्स नहीं पढ़नी है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, बट थ्योरी ऑफ मशीन्स नहीं पढ़ना है, मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं पढ़ना है, मशीन डिज़ाइन नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, इसलिए हमको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है फिलहाल के लिए, बाद में इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, बट अभी के लिए ये सिलेबस का पोर्शन नहीं है, इसलिए हमको इनको बाद में देखेंगे। कास्टिंग बेल्ट, कास्टिंग नहीं दिया है, कास्टिंग सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो कास्टिंग भी हमको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेल्डिंग, वेल्डिंग बहुत एक्सप्लेन्ड वे में दिया है, मतलब वेल्डिंग हमको पढ़ना है और वेल्डिंग पर हमको भाई लोगों प्रॉपर ध्यान देना है क्योंकि बड़ा सिलेबस दिया है। मेटल कटिंग का पार्ट दिया है, मशीन टूल्स का पार्ट दिया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग दिया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी फील हो रहा है। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर और है, इधर लिखता हूँ मैं, मेट्रोलॉजी, ये भाई लोगों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेट्रोलॉजी, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा सिलेबस में भी कि इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। बट
मेट्रोलॉजी पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, उसको आप स्टार लगा लीजिएगा, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। जैसे जनरली जेई के जो सिलेबस हैं उसमें क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पूछा जाता है काफ़ी, थर्मो पोर्शन काफ़ी पूछा जाता है, आईसी इंजन भी काफ़ी पूछा जाता है, हीट ट्रांसफ़र बहुत कम, आरएसी भी बहुत लिमिटेड पूछा जाता है, लेकिन थर्मो और आईसी इंजन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सॉम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक से ठीक ठाक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सॉम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, उस सिलेबस से हम लोग ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है। सिलेबस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, तो देखिए ये है मैकेनिकल का सिलेबस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये आपके सामने सिलेबस खुला हुआ है। तो देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमको पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे सिलेबस में है, देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमको पढ़ना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिकली सिंपल चीज़ें ही हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बात समझिए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये क्या है, डेरिवेशन ऑफ लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन करेंट फोर्सेस, मतलब ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इन चीज़ों को आप आराम से कवर कर पाएंगे। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद फिर उसमें क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, सेक्शंस तक इन्होंने बता दिए कि इन्हीं में ज़्यादातर पूछा जाएगा, तो बहुत ही डिफाइंड वे में सिलेबस है। दूसरा सब्जेक्ट आता है मटेरियल साइंस, देखिए मटेरियल साइंस में भी, मटेरियल साइंस अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट बहुत ही इन्होंने कंसाइज वे में दिया है और इतना ही हमको पढ़ना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे, ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाना चाहिए, बट जो सिलेबस में दिया है उतना हम कवर कर लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बहुत बड़ा है, अगर पढ़ने लगते हैं तो लगभग 80 to 100 hours का टोटल है ये कोर्स, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज़ें पूछी गई हैं इसलिए ये हमारे लिए अच्छा हो गया। ओके, दूसरा देखिए मशीनिंग में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेथ, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, ये हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस के थ्रू और वीडियोस के थ्रू कवर कर लेंगे, विच वुड बी वेरी मच सिंपल, क्योंकि चीज़ें एक बार दिखेंगी तो बहुत जल्दी हम लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है भाई लोग। वेल्डिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं, हर टाइप की वेल्डिंग समझना पड़ेगा, हर टाइप की वेल्डिंग जाननी पड़ेगी। ओके, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशंस, फिर वही है, ये एक्चुअली नाम बड़े बड़े हैं बट एलिमेंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, क्वेश्चंस भी बहुत छोटे छोटे बनते हैं, वो सारी चीज़ें थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपको कवर करके दे देगा। इसके अलावा मेट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है, ठीक है, मेट्रोलॉजी का एक एक एलिमेंट हम लोग कवर करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, चीज़ों को सारा समझ करके करेंगे, इनफेरोमीटर क्या होता है, बेवल प्रोट्रैक्टर क्या होता है, साइन बार क्या होता है, एंगल स्लिप गेज क्या होती है, कंपैरेटर्स कैसे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, इसी पे रेलवे वर्क करता है, दिस इज़ प्रैक्टिकल फील्ड। फिर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, अच्छा उधर मैंने मेंशन नहीं करा था, भूल गया था, ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है। सिविल का भी है, मैकेनिकल का भी है, दोनों में, और इसमें क्या है, हाइड्रोलिक मशीनरी का मतलब क्या है, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, टरबाइन के ऊपर जेट आकर के हिट कर रही है तो टरबाइन घूम रही है, या पंप, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये सारा आ जाता है मशीनरी में। तो जो सिलेबस है बस वही चीज़ देखना है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक एक चीज़ दे रखी है, पार्ट क्या है, CPM क्या है, ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत ख़तरनाक है, हाउएवर इट इज़ वेरी सिंपल, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा कितनी जल्दी ये समझ में आ गया। हम ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, ताकि समझने के साथ साथ याद भी तो करना है, चीज़ें सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। ओके, थर्मल इंजीनियरिंग में मैंने बता ही दिया सिलेबस, तो ये आपका बेसिकली एक सिलेबस दिया हुआ है RRBJEE ने, और ये बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में सिलेबस दिया है, किसी को आई फील कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक टॉपिक उन्होंने दिया है जो कवर करना है, तो आप इन्हीं टॉपिक पे अगर फोकस्ड रहेंगे तो आप किसी भी लेवल के हैं आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे विदाउट आ डाउट, मतलब मेरा ये मानना है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब अगर ये तो आपका सिलेबस की बात रही, अब बात करते हैं हम लोग कुछ बुक्स की, किसकी बात करते हैं, कुछ
बुक्स की। देखिए होता है हमेशा कि कुछ बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, या ऐसा लोग फील करते हैं कि यार बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैं कुछ बुक्स बता देता हूँ जिनकी, जो आप पढ़ सकते हैं, जो यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स का मैं आपको नाम यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है, इमेज इसीलिए रखा है ताकि आपको समझ में आए। ये आर के जैन साहब की किताब है। किसकी है ये? आर के जैन साहब की। आर के जैन साहब की किताब मतलब काफ़ी फेमस है, ख़ास तौर से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के लिए, मतलब बेसिक एग्जाम्स के लिए, जैसे ग्रुप बी एग्ज़ाम जो होते हैं, जेई वेई के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 40-50-60% तक क्वेश्चन डायरेक्टली इसी बुक से रख दिए जाते हैं। ये बुक बहुत अच्छी बुक है अगर कोई बुक फॉलो करना चाहता है तो। बट इसका लेवल जो है, इसमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी हैं और इसका लेवल थोड़ा सा हाई है। तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि अगर कभी भी इस पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी बुक से, तो गो फॉर आर के जैन। आर के जैन को पढ़िए। बट अगर अब आप ये कहेंगे कि सर अगर 50-60% पेपर इसी से पूछ लिया जाता है तो हम कॉन्सेप्ट में टाइम वेस्ट क्यों करें, क्यों ना हम इसी को रट लें? बिल्कुल कर सकते हैं। पर जब आप बुक खरीदेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये बुक इतनी मोटी है कि आप सारी चीज़ें रट नहीं सकते। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेमोराइज एवरीथिंग। तो समझना भी बहुत ज़रूरी है, और रट करके वहाँ क्वेश्चन बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन आपका बनेगा, ये गारंटी है। दूसरी बुक आ जाती है आपकी एस चंद पब्लिकेशन की। ये आर एस खुरमी और जी के गुप्ता जी द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है? तो ये खन्ना पब्लिकेशन की बुक थी, ये आपकी आर एस एस चंद की है। आर एस खुरमी और जे के गुप्ता जी ने ये किताब लिखी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसका लेवल उतना हाई नहीं है, ये बेसिक लेवल बुक है। तो लेवल ऑफ एग्जाम से मैच करेगा, हाउएवर इट शुड, ये हमेशा एक सेफ एंड पे हमको रहना चाहिए। हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा एक दो लेवल ऊपर ही पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल कभी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये एकदम एग्ज़ाम लेवल की बुक है, चाहिए तो इसको फॉलो कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं उतना टाइम नहीं है, तो इस बुक को ले करके इनके क्वेश्चन सॉल्व करके आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे, कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और एक बुक और है, वो बहुत अच्छी बुक है, और ये है जी के पी पब्लिकेशन की। जी के पी पब्लिकेशन की देखिए CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए आई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए CBT 1 CBT 2 दोनों कवर कर रहा है। तो दिस इज़ अ गुड बुक टू प्रैक्टिस, आई फील कि ये अच्छी बुक है, आप इसको ज़रूर ले लें प्रैक्टिस करने के लिए। आप कहीं से भी पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें या कोई कोर्स से पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ना है पढ़ें, बट दिस बुक कैन बी अ गुड हेल्प फॉर प्रैक्टिसिंग। तो ये है कुछ बुक्स की बात। इसके अलावा अगर बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मतलब बाकी बुक्स की बात करते हैं, तो जनरल साइंसेस के लिए कुछ बुक्स हैं, ल्यूसेंट की बुक आती हैं, एप्टीट्यूड के लिए आर एस अग्रवाल साहब की बुक है। पर एक बात मतलब सोचने वाली बात है कि कितना बुक पढ़ेंगे। सोचने वाली बात क्या है कि कितनी बुक्स पढ़ेंगे? सर इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम आर के जैन भी पढ़ लें, हम एस चांद भी पढ़ लें, हम जी के पी पब्लिकेशंस भी पढ़ लें, हम ल्यूसेंट की भी बुक पढ़ लें, हम अरिहंत की बुक्स भी पढ़ लें और आर एस अग्रवाल भी लगा लें। अगर आप इनको खरीदिए, सोचिए अगर आप इन बुक्स को खरीदिए और इनको एक टेबल पे सजाना शुरू करिए, टेबल पे छोड़िए आप ज़मीन पे सजाना शुरू करिए, वो आपका ऊपर जो छत है उसको टच कर जाएंगी, इतनी बुक्स हैं। पर क्या इतना हमारे पास टाइम है भाई लोगों? क्या हमारे पास इतना टाइम है? टाइम हमारे पास इतना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिलेक्शन पाने के लिए हमको एक गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें कंसाइज वे में मिल पाएँ और हम सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करें, बिना ये सोचे कि हम ये बुक पढ़ लें वो बुक पढ़ लें। बुक्स बहुत सारी हैं, आप मार्केट में जाके खड़े होंगे तो देखेंगे कि दुकानों की दुकानें बुक्स भरी पड़ी हैं, पर कितनी बुक्स पढ़ेंगे? नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है। तो इसीलिए दिस इज़ वाई वी आर हेयर, तो इसीलिए हम यहाँ पर हैं। तो यही क्वेश्चन है कि वाई थ्योरी टू प्रैक्टिकल, थ्योरी टू प्रैक्टिकल क्यों? अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग का अपना पैशन है इसलिए पढ़ा रहे हैं, वो आपको नॉलेज दे रहे हैं, वेरी गुड। कुछ लोग फ्री चैनल हैं, वी थ्योरी टू प्रैक्टिकल इज अ पेड चैनल। हम लोग बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि वी आर अ पेड चैनल। नाउ
फ्री चैनल और पेड चैनल में वेयर द डिफरेंस कम्स, देखिए फ्री चैनल का काम है कि सिलेबस कवर करना, यूट्यूब पर उनकी व्यूअरशिप्स बढ़ेंगी नो डाउट, अच्छा पढ़ाएंगे बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज मिलेगा, मेन चीज़ है आपको नॉलेज लेना। हाउएवर क्या वो अकाउंटेबल हैं? अगर उन्होंने ये बोला कि हम ये चीज़ पढ़ाएंगे बट उन्होंने नहीं पढ़ाया, तो क्या आप उन पर केस फाइल करेंगे? क्या वो आपकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे? नहीं लेंगे। हो सकता है कि आप इन्हीं चैनल्स को फॉलो कर रहे हो, वो अच्छा नॉलेज दे रहे हो, देर आर मेनी चैनल्स जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट दे आर नॉट अकाउंटेबल। वो आपके लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हम आपको सिलेबस कवर करेंगे या नहीं करेंगे, बट अगर हम एक पेड चैनल हैं तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आपका सिलेबस कवर हो, आपको जिन चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएं जिस तरीके से पॉसिबल हो पाए उस तरीके से। तो वाई थ्योरी टू प्रैक्टिकल, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब देखिए थ्योरी टू प्रैक्टिकल क्यों है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए तीन चीज़ों की फिर से रिक्वायरमेंट है। किन चीज़ों की? तीन चीज़ों की फिर से रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़ वो आ जाती है आपकी स्टडी मटेरियल। क्या आ जाता है? स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल क्या पढ़ना है उसके लिए। अभी वही मैं बोल रहा था, बुक्स, कितनी बुक्स पढ़ेंगे? इतनी सारी बुक्स हैं कि आप थक जाएंगे बुक्स देख देख कर, बट आप कवर नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि इतनी सारी बुक्स जब खोलेंगे तो बुक खोलते ही नींद आने लगेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो यू नीड दैट स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर एज वेल, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ और ये मेरे पास वीडियो है। तो स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर, ठीक है? तो स्टडी मटेरियल पहली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है? दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। भाई कुछ क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए ही चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो भी चाहिए एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर, ठीक है? तो ये दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो होती है आपकी टेस्ट सीरीज़। वो क्या होती है भाई लोगों? टेस्ट सीरीज़। तो अगर एक प्लेटफॉर्म जो आपको स्टडी मटेरियल विथ वीडियो लेक्चर्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज अगर आपको अवेलेबल करवा रहा है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर विथ सम अमाउंट ऑफ मनी, एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो बहुत ही मिनिमल है, जो कि ज़रूरी है इस पूरे सेटअप के लिए और बहुत ही कम है, एनी वन कैन अफोर्ड इट वेरी इजिली, तो आई फील दिस इज़ द राइट वे, आई फील दिस इज़ द राइट वे। देखिए चॉइस आपका है, बट आई फील कि ये एक सही तरीका है जहाँ पर मुझे टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है, जहाँ पर मुझे वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल, और जहाँ पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं तो ये कहीं भी घाटे का सौदा नहीं है। तो आई फील कि ये जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल है T2P, ये आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, स्टडी मटेरियल विथ वीडियो लेक्चर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एज वेल एज टेस्ट सीरीज। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, ये बाकी इंजीनियरिंग कोर्सेज एज वेल एज पेपर वन यानी CBT 1 और CBT 2 यानी कि बाकी कोर्सेज यानी एनवायरमेंट, इसके अलावा फिजिकल साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करके देगा। तो अगर एक प्लेटफॉर्म पर इतनी चीज़ें मिल रही हैं तो ये जो दिमाग है, जो हमारा मन है, जो बहुत ही चंचल होता है, जो इधर भी भागेगा उधर भी भागेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। भाई लोगों जब सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल रही हैं तो क्यों 50 जगह पर जाना? भैया आपको बुक भी नहीं खरीदने की ज़रूरत है, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपकी स्टडी मटेरियल्स है, आपके सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, आप वहाँ से देख करके समझ सकते हैं एज वेल एज टेस्ट सीरीज। तो विच इज़ वाई वी आर हेयर, आई एम स्टेटिंग इट अगेन कि वी आर अ पेड चैनल बट वी आर अकाउंटेबल फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिए हम जिम्मेदार हैं, आपको जो ज़रूरी है
आप हमसे बात करेंगे, हम आपके उस इशू को रिजॉल्व करेंगे जितना जल्दी हो पाएगा। बट अगर हम यही फ्री चैनल हैं तो हम आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। आपको समझ में आया, वेल एंड गुड, नहीं आया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप कर सकते हैं, चॉइस आपका है, बट दिस इज़ वाई थ्योरी टू प्रैक्टिकल इज़ हेयर टू हेल्प यू। अब मैं आप लोगों को अपना वेबसाइट भी दिखा देते हैं हम लोग, कि वेबसाइट कैसे होता है, कैसे करके पूरा थ्योरी टू प्रैक्टिकल डॉट कॉम करके वेबसाइट पूरा बना हुआ है। उस वेबसाइट में कैसे करके जाएंगे तो क्या मिलेगा, कैसे होगा, जो कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी है। सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं, इवन किससे कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो। इसके अलावा वो अपडेटेड अपडेट होता जाता है विथ टाइम, अपने आप अपडेट होता जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप उसमें सिलेबस आते जाएंगे, जो एग्ज़ाम्स की वैकेंसी आ रही हैं वो आती जाएंगी, अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स आते जाएंगे, एज़ वेल एज़ फाइनली वीडियोस और जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल, जिस भी कोर्स के लिए आपने एनरोल करा है, वो आपके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रहेगा। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है कि 1 साल बाद ख़त्म या 6 महीने बाद ख़त्म। इट इज़ फॉर योर लाइफ टाइम, आप जब तक यूज़ करेंगे तब तक आपके पास वो रहेगा। सो दिस इज़ वाई वी आर हेयर टू हेल्प यू, क्योंकि इस एग्ज़ाम को लिमिटेड टाइम में प्रॉपर गाइडेंस के साथ क्लियर करना है, तो हमको एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जो हमारी मदद करे, और थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपको उस रूप में मदद करने के लिए तैयार है। एक मिनिमल फीस लगेगी, वो मिनिमल फीस चाहिए इस चीज़ को तैयार करने के लिए, उस मेहनत को, उस टीम को पे करने के लिए जो उस पर काम कर रही है। पर अगर बहुत कम फीस में आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है, तो आई फील कि ये घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल भी ये घाटे का सौदा नहीं है। अब ये सिर्फ इस एग्ज़ाम में आपकी मदद नहीं करने वाला है, इसके अलावा SSC JEE का फॉर्म आ रहा है, इसके अलावा जो आपका FCI का फॉर्म आ रहा है उसमें भी ये सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। तो चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी है, हमारा काम है आपको समझाना बताना। बाकी थ्योरी टू प्रैक्टिकल हमेशा आपके साथ रहेगा, हर रूप में आपकी मदद करेगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप हमारे एलुमनी, हमारे स्टूडेंट्स बनेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और आगे हम भी एक मन में सेटिस्फैक्शन रख पाएंगे कि हाँ, हमने ये करना था और ये हमने कर दिया है। अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको फॉलो करिएगा। मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे उस साइट में एंटर करते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं अभी समझा देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग गूगल पर आएंगे, हम लोग गूगल पर अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल, थ्योरी टू, थ्योरी टू प्रैक्टिकल, तो देखिए थ्योरी टू प्रैक्टिकल, देखिए हम लोग का यहाँ पर पूरा साइट आ गया है अभी, थ्योरी टू प्रैक्टिकल www.theorytopractical.com करके हम लोग खोलते हैं। तो ये जैसे ही ये चीज़ खुलेगी, आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल आपको सामने सब दिख रहा है, बुक्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको ऑलरेडी सब चीज़ दिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए RRBJEE, जैसे ही आप ये देखिए एक अलर्ट लिख के आया है, कंटेंट इज़ प्रोटेक्टेड। मतलब क्या है कि ये कंटेंट प्रोटेक्टेड है, ये कंटेंट हम कहीं पे आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर आपने इसमें एनरोल नहीं करा है तो। ठीक है, तो आप जैसे ही नीचे आएंगे तो हम लोग को ये दिखता है कि एक बॉक्स टाइप आपको दिख रहा है, इसमें RRBJEE है। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं PDF पे, तो ये देखिए खुल जाएगा, देखिए आपको ये सब खुल गया है, और हम लोग ये T2P डेटा, JEE, JEE के लिए ये डेटा है, यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपको पूरा PDF खुल करके आ गया है। इस PDF में हर एक चीज़ बहुत ही साफ और सिंपल भाषा में लिखी हुई है, कि आपको कहीं से कोई भी डाउट ना आए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, एज दिस पेज इज़ रेगुलरली अपडेटेड, प्लीज़ कीप ऑन डाउनलोडिंग द लेटेस्ट पेज बाई क्लिक हेयर। तो यहाँ पर आप क्लिक करके और इसको अपडेट कर पाएंगे, और जो चीज़ें आई हैं वो सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है,
फिर आपका देखिए ये पूरा इंडेक्स है जिसके अंदर हर एक चीज़ को एक सीक्वेंशियल वे में लिखा हुआ है और उसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हर एक चीज़ देखिए, आरआरबी जेई का कोर्स फीस, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन करा है और बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि हर बच्चे को ये बात समझ में आ जाए कि रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे है, ताकि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए ये कंपनी का पूरा प्रोफाइल है और ये डेमो वीडियो लेक्चर्स हैं, यहाँ पर डेमो वीडियो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, आप उस डेमो वीडियो लेक्चर्स पर जा करके और देख सकते हैं। और जिन चीज़ों को आप इनसे डेमो देख करके अगर आपको लगता है कि येस इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, येस दे आर एक्सप्लेनिंग मी इन अ वे विच इज़ रिक्वायर्ड, जो मेरे को समझ में आ रहा है, तो आप फर्दर आगे व्हाट्सएप पे या मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कांटेक्ट नंबर दिया है उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे का जो भी प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस साफ साफ लिखी हुई है, वैलिडिटी ऑफ वीडियो इज़ लाइफ टाइम, हाउएवर वी विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर 1 ईयर ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ परचेजिंग। मतलब इस वीडियो का जो वैलिडिटी वो तो लाइफ टाइम है, लेकिन कोई भी इशू आता है तो वो 1 साल तक रिजॉल्व करा जाएगा। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ही क्लियर भाषा में लिखी हुई हैं, ताकि आपको कहीं से कोई डाउट ना हो। देखिए पेमेंट के मोड्स भी दिए हुए हैं, आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये देखिए सॉफ्टवेयर एंड सपोर्ट, अगर आप विंडो यूज़र्स हैं तो आपको T2P प्लेयर डाउनलोड, थ्योरी टू प्रैक्टिकल का एक प्लेयर है वो डाउनलोड कर लेना पड़ेगा और आप वहाँ से उन वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो उसके लिए भी थ्योरी टू प्रैक्टिकल है, एज वेल एज यूसी ब्राउज़र से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और एनी डेस्क, ये जितनी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर क्लियरली मेंशनड है, आप आराम से उन चीज़ों को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है भाई लोगों, अभी ये मशीन आईडी जनरेट होगी, क्या होगी, एक यूनिक मशीन आईडी जनरेट होती है, दिस इज़ योर मशीन आईडी। तो ये जैसे ही जनरेट होगी और आप उसको अपने सिस्टम में फीड करेंगे तो आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और उसके बाद में आप अपना आपका पूरा कोर्स आपके पास है और आपके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप आराम से उसको पढ़िए और जैसे आपको लगता है आप कवर करिए, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं, कोई डाउट होता है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ऑनलाइन टेस्ट भी दिया है विंडो यूज़र्स के लिए एज वेल एज एंड्रॉयड यूज़र के लिए, क्रैक माई एग्जाम ऐप है एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए और लाइव टेस्ट दिया है विंडो यूज़र्स के लिए। इसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके मन में डाउट हो सकते हैं वो भी यहाँ पर डाले गए हैं, तो कोई डाउट पूछने से पहले एक बार ये FAQ पढ़ लेंगे तो आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में दिया है। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन RRB JEE का अपलोडेड है, अब देखिए नया आया SSC JEE का वो भी यहाँ पर अपलोड हो गया, ऐसे ही जो भी आगे आएगा वो अपलोड हो जाएगा, उसका सिलेबस क्या क्राइटेरिया है हर एक चीज़ इसमें कवर करी जाएगी, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये हमारे T2P के स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छी जगहों पर पहुंच चुके हैं T2P को फॉलो करके। ये देखिए ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत आगे, मोर देन 2500 सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, तो इन्हें बच्चों ने यहाँ से सक्सेस प्राप्त करी है। आई एक्सपेक्ट कि आप भी ऐसे कर पाएँ और RRB JEE में या SSC JEE में या FCI के JEE में जहाँ पर भी पॉसिबल हो आपका नाम लिस्ट में आए, यही हमारी आशा है और यही आपके घर वालों की भी चाहत है। तो भगवान ये आशा पूरी करे, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपकी हर संभव रूप में मदद करे। हम लोग कुछ CSR एक्टिविटीज़ भी करते हैं, CSR एक्टिविटीज़ पास में कॉलेजेस में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के पास जा करके उनसे इंटरेक्ट करना, उनके साथ में उनको चीज़ें बताना, सिखाना, खुद सीखना, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ये एक्टिविटीज़ भी हम लोग करते हैं। तो वी एज ए यूनिट आर वर्किंग फॉर योर बेटरमेंट, हम लोग हर संभव रूप में जैसे कर पाएंगे पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ें सारी की सारी सक्सेसफुल होंगी आपके सपोर्ट से। अब देखिए RRB JEE का पूरा कोर्स फीस भी लिखा हुआ है, किस पार्ट के लिए कितना है, किस पार्ट के लिए कितना है। इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप फ़ोन से कांटेक्ट कर लेंगे,
वो हर एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो भाई लोगों, सारी चीज़ें जब सिंप्लीफाइड वे में मिल रही हैं तो कर लेना चाहिए। कुछ पैसे के लिए अगर हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दें तो वो मज़ा नहीं देगा। मौका मिला है और 3 एग्ज़ाम एक साथ आए हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इस एग्ज़ाम को के लिए एनरोल कर लीजिए, और एक बार अगर ले लिए, एक बार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अगर बहुत आगे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है तो मैं तो यही कहूँगा कि फ़ायदे का सौदा है भाई लोगों। बाकी आपकी आपकी इच्छा है, आपकी जैसी आपकी चाहत। इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और बढ़िया से पढ़ते रहिए, और नाम रोशन करना है घर वालों का, ये बात अपने हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।